Good morning students, this is science video. Today we are starting with what do animals eat. So about their food habits, what do they eat, whether they eat grass, they eat meat, or they are eating both. Clear? So we are going to understand about carnivores, herbivores and omnivores. Clear? So let's begin with the topic, that is on page number 30 and 31. Clear? So come to your book and open the page number 30 and 31. You will get the topic, what does animal eat? Clear? So let's begin with the explanation. Students, this is page number 30. As you have understood about these animals which are living in aquatic, means in water, arboreal animals and aerial animals. Clear? We have finished with this topic and today we are starting with the new topic, that is what do animals eat. I hope you all have understood about the various types of animals, and let's begin with the topic, that what does they eat. Clear? So according to their food habits, animals are categorized as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers and parasites. Unke food habits ke according pe agar hum divide kare to animals पांच हिस्सों में डिवाइड होते हैं. पहला क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स. क्लियर? इनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके. हर्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट एज देयर सोर्स ऑफ फूड. हर्बीवोरस वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं. प्लांट प्रोडक्ट क्या हो गए? रूट हो गया, फ्रूट हो गया, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, समझ गए? जो प्लांट का पूरा पूरा हिस्सा होता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, सो अबव द सॉइल हो और बिलो द सॉइल हो, वो भी खाते हैं. कौन? हर्बीवोरस. तो हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट ही अपने खाने के सोर्सेज में लेते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोरस आर रैबिट, क्रो, सॉरी काउज, गोट, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स. ये सारे एनिमल्स आपके एग्जाम्पल हो गए किसके? हर्बीवोरस के, जो सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द कार्निवोरस. एज यू कैन सी, कार्निवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स एज देयर फूड. कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना दूसरे एनिमल को बनाते हैं. समझ में आ गया? जो दूसरे एनिमल को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं. उनमें एग्जांपल हैं क्रोकोडाइल, स्नेक्स, शार्क्स, लायन एंड टाइगर्स आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस. क्लियर? कार्निवोरस और हर्बीवोरस समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब बात करते हैं ओमनीवोरस की. अब ओमनीवोरस ये एक टाइप है जहाँ पर omnivores are the animals that eat both plant and other animals as a source of food. Omnivores ऐसे animals को कहा जाता है जो दोनों चीज़ खाते हैं, plant भी खाते हैं और animal को भी खा लेते हैं. ठीक है, जैसे bear, rat, crow and human beings. अब human being को भी animal के ही उसमें डाला गया है. animal के तौर पे ही था, बस थोड़ा sensible है ना, तो उसको हमने ओमनीवोरस में ही डाल दिया क्योंकि ये भी नेचर का ही पार्ट है. ह्यूमन बीइंग नेचर से अलग नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग को भी एक कैटेगरी में डाला है. वो क्या है? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस क्यों? क्योंकि वो प्लांट भी खा लेता है. कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, समझ गए? तो उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं. स्कैवेंजर्स आर द एनिमल दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स. एग्जाम्पल इंक्लूड वल्चर, हाइना, जैकाल एंड क्रो. अब आपने ओमनीवोरस के बारे में समझ लिया है कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं. अब बात करते हैं स्कैवेंजर्स की. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना डेड एनिमल्स से निकालते हैं. डेड एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी वो डेड बॉडी या फ्लैश वो फिर खाते हैं. तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? वल्चर, हाइना, जैकाल एंड क्रो. ठीक है, नाउ सम एनिमल्स गेट ईदर their nutrition from their other living animals. कुछ animals अपना nutrition जो है वो दूसरे animals से लेते हैं. such animals are called parasites.
जिंदा ही एनिमल दूसरे एनिमल्स से, वो भी जिंदा ही होते हैं लेकिन वहाँ से भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एनिमल ऑन विच द पैरासाइट फीड आर कॉल्ड होस्ट। जिस एनिमल के ऊपर वो रहते हैं या फिर जिस एनिमल का वो खाना खा रहे हैं, उस एनिमल को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसका खून चूस रहे हैं या फिर जिसका फ्लैश खा रहे हैं, उस एनिमल को हम होस्ट बोल देते हैं। सम पैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट वाइल सम लिव आउटसाइड। कुछ पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं और कुछ पैरासाइट और बॉडी के बाहर भी रहते हैं। ठीक है, जैसे फ्लीज लाइस लीचेस लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड सक इट्स ब्लड। फ्लीज वो होते हैं जो आपने देखे होंगे एनिमल्स के ऊपर होते हैं, चार पाँव के होते हैं, ब्राउन कलर महरून कलर में होते हैं छोटे से, तो उनको हम फ्लीज बोलते हैं। लाइस क्या होते हैं, जू पड़ जाती है ना सर पे ह्यूमन बींग के खास तौर पे, तो जब सर पे जू पड़ती है तो वो क्या करते हैं, ब्लड चूसते हैं। तो होस्ट कौन हुआ, ह्यूमन बॉडी हो गई, और पैरासाइट कौन हुआ, लाइस हो गया। ठीक है, लाइस समझ गए, जू बुक को बोलते हैं। लीचेस क्या होते हैं, जोंक देखे होंगे, वो बॉडी के अंदर कैसे भी करके घुस जाते हैं, किसी अगर कट लगा है या फिर किसी चोट में अगर वो लीचेस घुस गए तो फिर वो बॉडी के अंदर घुसते हैं और ब्लड सक करते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म राउंड वॉर्म हुक वॉर्म ये सब बॉडी के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। टेप वॉर्म खास तौर पे पेट में के अंदर आ जाते हैं, कोई भी चीज़ इसीलिए बोलते हैं कि खाने से पहले उसको धो के खाओ, क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे वॉर्म्स भी हो सकते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद वो बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म वो भी उसी तरह के होते हैं, हुक वॉर्म भी ऐसे हुक जैसे दिखते हैं वो। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर होते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है, जिसका वो बॉडी है, समझ गए, जैसे ह्यूमन बींग की अगर बॉडी है तो वो होस्ट बन गया, रैट की अगर बॉडी है तो होस्ट कौन बन जाएगा, रैट बन जाएगा। क्लियर, तो होस्ट कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया या फिर जिसके ऊपर वो पैरासाइट रह रहा है उसको हम होस्ट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, फीड ऑन द डाइजेस्टेड फूड, ये सारे जो वॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं, खाना जो भी हम खाते हैं उसके वो खाना भी खाते हैं और खून तो चूसते ही चूसते हैं। ठीक है, हुक वॉर्म गेट इनसाइड आवर बॉडी थ्रू द बेयर फीट। अगर हमारे पाँव नंगे हैं, ठीक है, हमने कोई स्लीपर नहीं डाली है, शूज़ नहीं डाले हैं, तो हुक वॉर्म हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म गेट इनटू आवर बॉडी व्हेन वी ईट इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंक इन्फेक्टेड वाटर। या तो इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं हम, बासी खाना जिसे बोलते हैं, या फिर हम कोई इन्फेक्टेड वाटर पी लेते हैं, प्यूरीफाई किया हुआ पानी नहीं होता है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन माइक्रोस्कोप में या फिर माइक्रोस्कोप में लेंसेस लगा के अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें छोटे छोटे वॉर्म्स हैं। ठीक है, तो वो वॉर्म्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही वो पनपते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरासाइट्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज फाइव थिंग्स, दैट इज़ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज फाइव यू कैन आस्क मी इन द क्लास, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनिमल अडेप्टेशंस। क्लियर, थैंक यू सो मच।